आशीष है, मैं क्वाड्रिलियन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से बात कर रहा था। अभी हमने जो कुंडली मिलान की सीरीज चालू की है, इसमें हम आज बताएंगे कि कौन सी नक्षत्र की कौन सी योनि वगैरह होती है। बाकी किसी को कुंडली मैच करने का है, वो अष्टगुण मिल करने का, तो हमको कॉल कर सकते हैं नीचे नंबर पे। अगर किसी की शादी कब होगी ये पूछने का है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, नीचे लिखा नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका चार्ज लगेगा, याद रखिएगा, आप चार्ज नहीं है। तो अभी मैं आज बताने वाला हूँ योनि के बारे में कि है ना, योनि कौन कौन सी योनि होती है और उसको नक्षत्र से कैसे काउंट करते हैं। तो अब लाइट बंद कर दें। तो जैसे आप भी देखिए इसमें योनि क्या हुआ है। अभी हर नक्षत्र को 27 नक्षत्र है पूरे ब्रह्मांड को, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नक्षत्र हैं, लेकिन अपने अपने जो काम के योग ने जहाँ पर अपनी पृथ्वी घूमती, सूरज घूमता है, उसके हिसाब से अपन ने 27 नक्षत्र किए हुए। तो 27 नक्षत्र अपन ने किए हुए, एक 28 नक्षत्र भी बोलते हैं अभिजीत, पन 27 मेनली नक्षत्र रहेंगे। तो अपना एक्चुअल में जो भी ज्योतिष था वो नक्षत्र के हिसाब से ही था। बाद में अपने सिकंदर वगैरह यूनान के लोग आए या ग्रीक के लोग आए, तो उसके कारण अपन राशियों के हिसाब से अपन काम करने लगे, लेकिन पहले अपना ज्योतिष नक्षत्र के हिसाब से था। अभी इसको हर नक्षत्र को हमने योनि में बांटा हुआ, योनि मीन्स ऐसा आप बोल सकते हैं कि यार एक टाइप का योनि बोलते हैं, जैसे 84,000 योनियों में से गुजरता आदमी, तो वो उस टाइप की योनि, जैसे मनुष्य योनि है, वानर योनि है, हॉर्स योनि है, इस टाइप की योनि, इसको बोलते हैं योनि। तो ऐसा योनि में कैसे बांटा हुआ, तो एग्जांपल लीजिए, जैसे रोहिणी नक्षत्र का आदमी है, ठीक है, एम नक्षत्र का है, तो रोहिणी मेल सर पाता है, वो नक्षत्र फीमेल सर पाता है, सर सांप। अभी ये जो सर योनि रहेगी, तो सर की क्या खासियत होती, ये चुपचाप बैठा रहेगा, याद रखेगा, फिर डंक मारेगा, फिर बात बात में भी डंक मारते हैं। जैसे सर्प योनि होगी तो अब बाद में देखेंगे तो डंक मारेंगे, डंक मारना मीन्स जहर मारना मीन्स बात। अभी डंक तो आदमी है तो डंक तो नहीं मार सकता, अपने को जहर तो नहीं दे सकता ना वो, तो वो क्या करेगा कि चुपती हुई बात बोलेगा हमेशा, वैसा रहेगा, हमेशा याद रखेगा। जैसे आपने उसको कभी बुरा कर दिया तो वो हमेशा याद रखेगा कि यार आपने उसका बुरा किया, तो कभी ना कभी आपका जैसे सांप हमेशा बोलते हैं पिक्चर में दिखाते हैं सांप बदला लेता, तो बाद में बदला लेगा कभी भी, जैसे उसने किसी ने उसको बुरा कर दिया तो हमेशा उसका उसको कभी ढंग से नहीं रहने देगा। सब उसको मियाँ बीवी में भी सर्प योनि वाला कोई है तो झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, तो वो लास्ट तक उसको पीछा नहीं छोड़ेगा, उसकी बारह बजाते बैठेगा। तो ये ऐसा होता है, सर्प योनि इस टाइप से होती है। अभी हाथी योनि है, हाथी योनि होगी सब उसको, तो क्या होगा कि हाथी की योनि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो हाथी योनि क्या देगी कि यार जैसे भरनी नक्षत्र रेती की देगी, हाथी योनि देगी, तो ये हाथी जैसे रहेंगे कुत्ते और जैसे बोलते ना याद रखते बहुत सारी चीज़ें, दिमाग अच्छा रहता है इनको। अभी बोलते बोले कि यार कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बजा, है ना, आप कितना भी बोलते रहो वो करेंगे अपने हिसाब से, इस टाइप से रहता तो हाथी की योनि भी रहती है। तो अभी जैसे एग्जाम्पल ले वानर योनि है, हर एक का तो नहीं बता रहा हूँ, तो जनरल चीज़ बता रहा हूँ, वानर योनि। अभी देखें पूर्व आषाढ़ा और श्रवण जो भी नक्षत्र देंगे, उसमें पूर्व आषाढ़ा मेल और श्रवण मेल देगा, वानर नक्षत्र देगा। अभी वानर नक्षत्र में कैसा होता है, वानर कैसा होता है, एक डाल से दूसरे डाल पे जाता रहता है, जम मारता बैठता है ना, इसका मतलब भी अभी आदमी तो है, जम तो नहीं मारेगा ना, थियोरेटिकल देखने का तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आदमी एक काम हाथ में लेगा, एक काम को छोड़ेगा, फिर दूसरा हाथ काम में लेगा, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा वो। आज सब उसको कुछ काम कर रहा है तो कल दूसरा कुछ काम करेगा, परसों तीसरा कुछ, डाल पे चित्त उसका एक जैसा नहीं रहेगा। तो इस टाइप से ये योनि रहती है। इसमें आप कुछ दुश्मन योनि भी रहती है, तो वो भी मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से शादी करना चाहिए, इसमें किसका बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए। तो अभी अश्विनी और शतभिषा ये नक्षत्र देंगे, तो उसका हॉर्स या घोड़ा उसका नक्षत्र देगा। भानी होगा, भानी और देवती नक्षत्र होगा, तो हाथी उसका योनि होगी। इसके बाद में योनि मैचिंग भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको अभी नहीं लेना है, उसका चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। पुष्य नक्षत्र है तो वो
वो शिप होगा, कृतिका नक्षत्र होगा तो शिप होगा, ठीक है। विरोहिणी नक्षत्र नक्षत्र आए तो सर्प होगा, मूल नक्षत्र आर्द्र है तो कुत्ता होगा। अभी कुत्ता आप देखेंगे कैसा होता है, जनरली भोगता रहता है, आर्द्र मूल वाले कैसे भोगते बैठते हैं, भोगते बैठते बोले जबरदस्ती। मूल वाला एग्जाम्पल है अदालत के, उनको कुछ लेना देना नहीं। अभी आप कुत्ते को देखते हैं कभी कि कहाँ जा रही है, कुछ भी जा रहे है, तो वो भोंकते बैठता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अभी कोई भी आदमी जा रहा है उसके पीछे भोंकता रहेगा। अभी भोंकना था कुत्ते का भोंकना, बात समझे। अभी आदमी का भोंकना कैसा होगा कि वो जबरदस्ती टॉन मारते बैठेगा उसको, ना उसको बोल फालतू में बोलेगा ना लेना ना देना, तो भी वो उसको बोलता बैठेगा। इसको सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करने का, कि कुत्ता कैसे बोलेगा कि यार हमेशा बातें भोगता रहेगा मतलब बातें करता रहेगा ना। सिंबॉलिक का आप देखेंगे तो बहुत अलग है ना, बहुत अच्छा सा बनाया उन्होंने। तो कुत्ते जैसे भोगते रहेगा लेना ना देना, तो भी भोगते रहेगा वो। अब देखेंगे मूल नक्षत्र वाले आधा नक्षत्र वाले दोस्तों को तंग है ना, भोगते रहेंगे लेना ना देना, तो भी बात करते रहेंगे। तो ये है अश्लेषा और पुनर्वसु बिल्ली नक्षत्र के आते हैं, बिल्ली योनि के आते हैं। मगा और पूर्व भाद्रपद चूहे के आते हैं। उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्रपद गाय के आते हैं। स्वाति और हस्त ये भैंस के आते हैं। अच्छा ये आपको बताना भूल गया, ये जो नक्षत्र होता है ये जहाँ चंद्र पैदा होते हैं, जहाँ चंद्र जिस नक्षत्र में होगा उसमें ये काउंट होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये चंद्र जिस राशि जिस नक्षत्र में होगा वो काउंट होता है। विशाखा और चित्रा शेर, शेर मीन्स टाइगर, ठीक है। ज्येष्ठा अनुराधा मृग, अब मृग ज्येष्ठा अनुराधा में देखेंगे तो मृग, मृग का मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला, ऐसे देखेंगे तो उनकी आँखें वगैरह बहुत अच्छी होगी इस टाइप से। तो ये है पूर्वशा और श्रवण, तो ये वानर के होंगे, वानर योनि के होंगे। धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद ये सिंह राशि सिंह लायन के होंगे। और उत्तरशाला नेवला होगा, नेवला मीन्स नेवला, चलो ठीक है नेवला ही है, तो मंगूस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी है तो उसको होता है। अभी इसमें दुश्मनी भी होती है, तो मैं आपको अगले एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे सर्प और नेवले की आप वो नहीं कर सकते हैं, उनकी जोड़ी नहीं बनाने का। जैसे कोई सर्प है और नेवले का आकर तो एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, तो एक दूसरे से शादी करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, है ना, एक जना दूसरे को पूरा की पूरा डोमिनेट कर जाएगा, तो इनकी शादी नहीं करते। तो ये याद रखने का कि नेवला सर्प की शादी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें मैं अगले चैप्टर में कवर करूँगा कि यार किस योनि की किस योनि से शादी नहीं होती। तो आप देखिएगा, आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो हमारे नए नए वीडियो आते हैं, आपको नोटिफिकेशन में आएंगे, मेल में आएंगे। और हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर भी देखे रखा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो नया वीडियो आएगा तो हम आपको उसमें शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ भी सकते हैं, लाइक कीजिए हमारे इसको वीडियो को और शेयर कीजिए। अभी हम नया ये कुंडली मिलान का और डिटेल में बताते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। थैंक यू।